ओम शांति ओम शांति। आज है 7/5/66 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। ये किसने कहा? मनुआ को किसने कहा? मन को कौन कह सकता है? मन माने आत्मा। तो मन बुद्धि आत्मा को कौन कह सकता है कि धीरज धरो? जो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है वो ही कह सकता है। परम पिता शिव भी नहीं कह सकता, वो तो ज्योति बिंदु है। कहने के लिए मुख चाहिए। तो वो कोई मनुष्य सृष्टि का पिता है जिसमें प्रवेश करके कहता है कि मन रूपी ब्रह्मा धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तो बाप ने कहा अपने रूहानी बच्चों को कहा, देहिमानी स्टेज में रहने वालों को नहीं कहा। किसको कहा? रूहानी। जो घड़ी घड़ी दूसरों को रूह की स्टेज में देखते हैं, आत्मिक स्टेज में देखते हैं और स्वयं को भी ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं, और बच्चे खुद भी जानते हैं। जब तक पूरी राजा स्थापन नहीं हुई है तब तक ये डेविल वर्ल्ड अथवा रावण की दुनिया रहेगी। कब तक रहेगी ये रावण की दुनिया, डेविल वर्ल्ड कब तक रहेगी? है? पहले स्थापना या पहले विनाश? पहले विनाश। पहले विनाश हो जाएगा तो जिनकी स्थापना होगी वो भी चले जाएंगे साथ में। इसलिए पहले स्थापना। पूरी राजाई जब तक स्थापन नहीं हुई है, हैं? पूरी राजाई में कौन कौन आ जाएंगे? सभी माने कौन कौन आ जाएंगे? राजा महाराजा आ जाएंगे, महारानी आ जाएंगी, रानियां आ जाएंगी, और कौन कौन आ जाएंगे? रॉयल फैमिली। और जो भी रॉयल फैमिली है 16108 की, वो जब तक सब स्थिरियम न हो जाए, स्थापन स्थिर न हो जाए, तब तक ये डेविल वर्ल्ड की दुनिया विनाश को नहीं पा सकती। और ये कब स्थापन हो जाएंगे, कब स्थिर हो जाएंगे? 16108 का जो राज परिवार है, जो राजयोग सीखता है, वो कब अपनी स्टेज पर स्थिरियम हो जाएगा? उनकी अपनी आत्मिक स्थिति की राजाई, सच्ची स्वतंत्रता कब स्थापन हो जाएगी? एक दूसरे के संस्कार, संस्कार मिले। और संस्कार कब तक नहीं मिल रहे हैं? जब तक बाहर की जो डेविल वर्ल्ड की दुनिया है, उस 500-700 करोड़ की दुनिया का संग का रंग जब तक लग रहा है, तब तक स्थिरियम स्थिति बन नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं कि इसके लिए धीरज धरो, खींच खांच के कोई काम करने की दरकार नहीं है। हमारा सहज राजयोग है, सहज राजयोग में बाप सहज सहज चलाते आ रहे हैं और सहज सहज चलते जाना है। ये बुद्धि में रखो कि जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक ये डेविल वर्ल्ड की दुनिया चलेगी। इससे परेशान आतंकित तो बहुत नहीं होना है, धीरज नहीं खोना है,
रावण की दुनिया का अर्थ है यथार्थ रीति कोई नहीं समझते है। क्या अर्थ है रावण की दुनिया है? रावय रावयते माना रुलाने वालों की दुनिया। तो कोई किसी को दुख देता है तो उसकी आत्मा रोती है। तो जो दुख देने वाले हैं उनकी दुनिया का मतलब ये है रावण की दुनिया। और दुख कौन देते हैं? एक मुरली में पूछा है रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। कैसे गुरु लोग क्या दुख देते हैं? अच्छी अच्छी कथा कहानियां सुनाते हैं शास्त्रों की है, तबीयत प्रसन्न कर देते हैं। वो कैसे रावण हो गए? बाप की जो श्रीमत है उस श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करके कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा बाप की तरफ रुझान उनका न हो और उनकी तरफ रुझान हो जाए, गुरुओं की तरफ रुझान हो जाए। गुरु अपनी तरफ खींचते हैं और परमात्मा से बुद्धियोग तोड़ते हैं। तो रावण की दुनिया का मतलब यह है दस मुखों वाली ऐसी दुनिया जो अनेक प्रकार की मतें देती है। इस दुनिया में भी दस विशेष विशेष धर्म है। आज की दुनिया में ऐसे नहीं कि सूर्यवंश उड़ गया है, चंद्रवंश उड़ गया है, नहीं, आज की दुनिया में भी ऐसे ऐसे चंद्रवंशी सूर्यवंशी हैं, फिर उनमें मिक्स हो गए हैं इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो झाड़ में जो दस मुख्य धर्म दिखाए गए हैं उन दस धर्मों को फॉलो करने वाली आत्माएं इस दुनिया में हैं, और उन धर्मों का संचालन करने वाले कोई न कोई धर्म पिताएं हैं जिन्होंने उन धर्मों का फाउंडेशन डाला। फाउंडेशन ही नहीं डाला, जो फाउंडेशन डालता है स्थापना करता है वो फिर पालना और विनाश भी करता है। तो वो धर्म पिताएं सब इसी दुनिया में मौजूद हैं और उनकी अनेक मतें इस दुनिया में फैली हुई है, परंतु दुनिया उनको जानती बिल्कुल नहीं है ये कौन है। न जानने के कारण हर वर्ष रावण का पुतला जलाते रहते हैं, दस सिर बनाते रहते हैं और समझते हैं कि हमने रावण जला लिया, माने अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। जब कोई ज्यादा किसी को दुख देता है तो उसका पुतला बनाए उसको जलाते हैं। तो यथार्थ की कोई समझते नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है कि कागज का रावण बना कर उसे जला देने से कोई रावण राज्य खत्म हो जाएगा क्या? तुम बच्चों में यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथार्थ रीति जानते हैं क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथार्थ रीति जानते हैं क्या? यथार्थ रीति माने यथार्थ रीति का मतलब जो जैसा अर्थ है उस अर्थ को ज्यों का त्यों कोई जानते हैं, सब नहीं जानते। यथार्थ शब्दों का अर्थ होता है ना, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, शास्त्रों में जितने भी शब्द हैं, वो जितने भी नाम हैं या जो भी शब्द हैं उनके अर्थ हैं, और अर्थों के अनुसार काम के अनुसार वो नाम पड़े हैं। तो बच्चे नंबरवार जानते हैं, जितना जो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते जाते हैं क्या, पत्थर लोहा और उसमें पारस कहते हैं पत्थर का संसर्ग होता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे कोई होता नहीं है, सोना माना सच्चाई और पारस माना पारसनाथ। जो मंदिर बनाते हैं
तो जरूर कोई ऐसा मूर्ति जो बनी है पारसनाथ की, जरूर कोई ऐसा पार्श्वनाथ बना है, पारसनाथ बना है जिसके संग के रंग में आने से, दृष्टि वृत्ति के कनेक्शन में आने से, वाचा के कनेक्शन में आने से, कर्मेंद्रियों के कनेक्शन में आने से, जो भी आए संसर्ग में, संपर्क में, समीपता में, वो परिवर्तित हो गए। इसलिए उसका गायन पारस पत्थर से चला आ रहा है, बाकी ऐसा कोई पारस होता नहीं है। माने जितना जो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाते हैं, ये अपने अपने संयोग की बात है। बाप से योग लगाते जाते हैं, क्योंकि बाप इस दुनिया में आता है पारसनाथ बनकर। बाप से योग लगाते हैं तो बाप बच्चों को नई समझ बैठ देते हैं। जो बाप समझ देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और नई बात देते हैं। क्या नई बात दी? आत्मा की पहचान। कि जितने भी अलग अलग मत देने वाले इस दुनिया में आए वो सब गिराने वाले हैं, और मैं जो आकर के नई मत देता हूं उससे तुम्हारी बुद्धि सुधर जाती है, सुमति बन जाती है, अब तुम समझदार बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जितना पुरुषार्थ किया है संग का रंग लगाने का, है तो बुद्धियों की बात। क्या ऐसे नहीं कि सिर्फ तन से कोई नजदीक है और मन दूसरी जगह लगा हुआ है मित्र संबंधियों में, तो उसमें सुधार ज्यादा हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, कोई दूर है, जैसे बांदेली माताएं दूर भी हैं और बुद्धि से अटैच्ड है, बाप के साथ, बुद्धि बाप के साथ लगी हुई है, तो ज्यादा का पावर कौन खींचेगा? तन से नजदीक होने वाला ज्यादा पावर खींचेगा या बुद्धि से ज्यादा नजदीक होने वाला पावर खींचेगा? वो ज्यादा खींच लेगा। लेकिन अगर कोई तन के भी नजदीक है और साथ साथ मन बुद्धि से भी नजदीक है, तो वो दोनों के मुकाबले ज्यादा पावर खींच लेगा। तो तन धन धाम सुहृद परिवार सब की ममता ताग बटोरी, सब प्रकार से चारों तरफ जितनी भी शक्तियां मनुष्य की हैं, उन सब शक्तियों को परमात्मा के कार्य में जो लगाने वाला है तो उसको जरूर शक्ति मिलती है। इसलिए गीत भी गाते हैं, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, फिर कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। माना आदमी जो तन से धन कमाता है, वो कमाई हुई मेहनत को जहां कहीं वो लगाएगा, अपने जीवन में किसी ने लाख दो लाख कमा लिया, दो चार करोड़ कमा लिया, और वो किसी काम में लगा दे, मान लो एरोप्लेन खरीद लिया या कोई और साधन खरीद लिया और सारी कमाई उसमें लगा दी, तो उसकी बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं डैमेज ना हो जाए, बुद्धि उधर लगी रहेगी ना। तो ऐसे ही ये तन की ताकत, धन की ताकत, जितनी भी शक्तियां हैं, वो मनुष्य जहां जहां लगाता है वहां वहां उसकी बुद्धि जो है लगन बढ़ती चली जाती है। ये हिसाब है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो जरूर आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन एक के साथ लगन हो। क्या बुद्धि की लगन अनेकों के साथ न हो, जितना समझदार बनेंगे उतना अंदर में बड़ी खुशी होगी। एक के साथ लगन है, ऐसी समझ बुद्धि, ऐसी मत बुद्धि मिली हुई है, तो उसकी पहचान क्या होगी? जिसकी एक के साथ लगन होगी उसकी पहचान क्या होगी? उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। नंबर वार तो होती है ना, यह है पतित आत्माओं की आसुरी दुनिया। जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में सब पतित हैं, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं,
और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तो ये दुनिया पतितों की है, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव ने जिसमें प्रवेश किया वो पावन बन जाता है प्रवेश करने से, नहीं, जमदे जामदे नहीं हो जाता। या जिन मनुष्य आत्माओं के साथ है, जिन ब्राह्मण बच्चों के साथ है, बाप रहते हैं, कार्य करते हैं, कराते हैं, संसर्ग संपर्क में आते हैं, वो बच्चे संपन्न बन जाते हैं, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं। देखा जाता है जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन हुई माउंट आबू से, कितने लंबे समय से संसर्ग संपर्क में रहे, चलो माँ के रूप में ही रहे, लेकिन परमात्मा का तन तो था, फिर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? परिवर्तन ना के बराबर क्यों? इसीलिए कि उन्होंने जितनी खुशी लेनी चाहिए अब विचारी याद से, उतनी खुशी ले नहीं सके। ये पतित आत्माओं की दुनिया है, पतित आत्माओं की दुनिया में अगर पतितों का संग करते रहेंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। वो है पावन आत्माओं की दैवी दुनिया और ये है पतित आत्माओं की अशुभ दुनिया। ईश्वरीय दुनिया है शांतिधाम, क्या ईश्वरीय दुनिया है शांतिधाम, तो क्या करें? है ईश्वरीय दुनिया है भी नहीं, ईश्वर आया हुआ है, ये कहते हैं कि ईश्वर आया हुआ है, दुनिया आसुरी में आया हुआ है, तो क्या करें आखिर? आसुरी दुनिया में आया हुआ है, ये हम जानते हैं कि आसुरी दुनिया में आया हुआ है। चलो कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं, कुछ नहीं, बहुत तेरे ऐसे ब्राह्मण हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आया हुआ है। हम कहेंगे आया हुआ, वो कह देंगे नहीं, ये हो नहीं सकता। तो ज्यादा लोग जब ये कहेंगे कि नहीं हो नहीं सकता, कि ऐसा हो सकता हो कि भगवान इस सृष्टि पर आ जाए, भगवान तो पहले आया था ब्रह्मा के तन में, तो हमारी बुद्धि थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है? विचलित होती है, विचलित होती है, पता नहीं आया या आया कि नहीं आया। जिसको हम भगवान साबित करना चाहते हैं, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मणों का हुजूम, या आसुरी रावण को मतलब मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का हुजूम, या कौरव यादवों का हुजूम, उसको भ्रष्टाचारी साबित कर रहा है, तो बुद्धि थोड़ी क्या होती है? डगमगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं। बाप अच्छी से अच्छी मत देते हैं, लेकिन कारण क्या है जो विनिश्चय की तरफ चले जाते हैं? हाँ, एक के साथ प्रीति नहीं है। अगर जैसे माँ की बच्चे के प्रति प्यार होता है ना, बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, तो माँ बाप की लगन छोटे या सबसे बड़े बच्चे की तरफ जाती है ना। तो जो लगन माँ की बच्चे के प्रति जाती है, अगर कोई आकर के ये कहे कि तुम्हारा बच्चा बहुत सत्यानाशी है, और माने कभी अपने घर में उसको सत्यानाश करते हुए देखा नहीं, तो स्वीकार कर लेगी है कि मेरा बच्चा खराब है? नहीं स्वीकार करेगी ना। यहाँ क्या होता है? स्वीकार कर बच्चे को माता है, अपना शुभाबा को अपना बच्चा मानती है, सर संबंध है ना, तो माता है बच्चा भी मानती है। चलो कोई पिताई भी होगी जो बच्चा मानते होंगे, है ना। मान लो कोई ने अपनी कन्या दे दी यज्ञ में अर्पण कर दी, तो उस जिसने अपनी कन्या अपने ये बाबा की यज्ञ में अर्पण कर दी, वो तो बाबा को अपना बच्चा समझेगा ना, तो अपना समझ लिया, अपना बना लिया, तो उसके प्रति इतना अपना तो होना चाहिए कि कोई कितना भी उसे नीचा गिराने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसके प्रति अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है? अविश्वास हो जाता है। इसका मतलब जो भी संबंध जोड़ा है वो इतना परिपक्व संबंध नहीं जोड़ते हैं जितना दुनिया में लौकिक खून का जोड़ा जाता है।
कहते हैं मुख से, जैसे भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव मात पिता गुरु तुम सब कुछ हो। वो तो भक्ति मार्ग सिर्फ कह देते हैं, मुंह बक्का लगा देते हैं, वहां तो जानते ही नहीं, वहां तो कहने न कहने का सवाल ही नहीं। यहाँ की बात है, यहाँ तो हम बुद्धि से समझते हैं कि इस तरीके से परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, शास्त्रों से भी ये बात सिद्ध होती है और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि हाँ परमात्मा की अनुभव हमें मदद मिल भी रही है। लेकिन मदद मिलते हुए भी, अनुभव करते हुए भी, ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से जानते हुए भी फिर हम हिल क्यों जाते हैं? किस लिए हिल जाते हैं? क्योंकि 63 जन्म जो पिछले हो चुके हैं द्वापर कलयुग में, उन जन्मों में जिन जिन आत्माओं के संग के रंग में हम रंगे हैं, वो आत्माएं हमसे हिसाब किताब लेने यहाँ शूटिंग पीरियड में आ जाती है। ये जो वेद का सृष्टि रूपी रंगमंच है, चार युगों का जो नाटक है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चार सीन के नाटक में जो अंतिम दो सीन है द्वापर और कलयुग, द्वापर द्वैतवाद जहां से चला और कलह कलह इसका युग, तो इन दो युगों में हमारी आत्मा पता नहीं कितने कितने मतभेद फैलाने वालों के साथ संघ के रंग में आती गई। तो जिन जिन के संघ के रंग में रंगी है पूर्व जन्मों में, वो आत्माएं आकर के हिसाब किताब नहीं लेंगी, कह देते हैं मुख से कि माया आ गई। अब माया कोई स्त्री के रूप में कोई पुरुष के रूप में आई होगी ना, पुरुष के रूप में आती है तो रावण कहते हैं, स्त्री के रूप में आती है तो माया कहते हैं, उनकी भी जोड़ी है तो वो आती है हिसाब किताब लेती है, तो उसमें विचलित तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी बुद्धि में ज्ञान है। लेकिन क्या होता है, माया आती है और हमको हिला के हमारी बुद्धि को हिला के चली जाती है। तो ये पतित आत्माओं की दुनिया है और वो है पावन आत्माओं की दुनिया, और ईश्वरी दुनिया शांतिधाम। ईश्वर आया हुआ है तो ईश्वर की दुनिया क्यों नहीं बन रही है, कारण क्या है? हिलाने वाले हैं, हिलाने वाले। अच्छा हिलाने वाले हिलाते रहे, हम नहीं हिलते। अच्छा हमने पक्का कर लिया कि वो हमारा सब संबंधी है। दुनिया में तो एक के साथ एक ही संबंध होता है और यहाँ तो एक के साथ सारे ही संबंध हमने स्वीकार कर लिए, तो हमारा संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए ना। दृढ़ता तो है पर राज्य रावण का चल रहा है तो राज्य रावण का। अच्छा तो चलो अपना अपना अलग दुनिया बसा लो, कोई मना कर रहा है आपको? नहीं मना, बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं क्या? मन से बंधा हुआ होता है कि तन से बंधा हुआ होता है? तन से, तन से बंधे हुए ना, मन से तो नहीं। मन को कोई बांध सकता है क्या? तो अपना राजा है, तो मन जो है, मन बुद्धि जो है उसको स्वतंत्र रख सकते हैं, लेकिन नहीं। क्या होता है, 550 करोड़ आत्माओं के वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से हमारा मन और बुद्धि जो है वो बंधायमान हो जाती है। एक से निश्चय नहीं है, वो एक से निश्चय न होने के कारण संघ का रंग लग जाता है। तो क्या करना चाहिए संघ के रंग को बदलने के लिए? एक व्यभिचारी याद होनी चाहिए, एक अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। होती तो नहीं है अव्यभिचारी याद। दुनिया वालों को संघ में रहना पड़ता है, तन से रहना पड़ता है तो तन का संघ का रंग लगता है। दुनिया वालों के साथ धन का हिसाब किताब लेन देन करना पड़ता है तो धन का चिप लग जाता है। संबंध जुड़ते हैं तो संबंधों का चिप लग जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे ये संघ के रंग से मुक्ति मिले? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता करें। अभी तक दृढ़ता हो ही नहीं पाई, होने वाली की तो हो गई ना, होने वाली की हो गई। एक तो कम से कम है, एक तो कम से कम। यहाँ बोला पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, ये नहीं कह सकते कि एक है। कह देते हैं सर्व का सदगति दाता राम, वो तो ज्ञान देने की दृष्टि से है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही होने की वजह से कहा जाता है। जो ओट है अब्बल नंबर जो
अर्जुन करे पुरुषार्थ का, अब्बल नंबर जो आए सो अर्जुन हो जाए, तो उस हिसाब से कहा जाता है। बाकी अभी है तो नहीं। फिर दृढ़ता के बारे में तो एक है, दृढ़ता के बारे में एक है। हाँ। तो अकेला से ना कम से कम एक है, एक एक माने निवृत्ति मार्ग है। हाँ? नहीं में कम से कम एक तो है। अच्छा एक है तो एक से प्रवृत्ति मार्ग बनेगा कि निवृत्ति मार्ग बनेगा? दुनिया बनेगा, दुनिया कौन सी बनेगी? निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग की दुनिया बनेगी ना। शांति धाम तो नहीं बनेगा। शांति धाम में सुप्रीम सोल भी है और फिर जिसमें वो प्रवेश जिनका आधार लेता है वो भी है, तो वो शांति धाम ही तो प्रवृत्ति की दुनिया हो गई। तो भले आपने बोला एक कि एक है दृढ़ता के बारे में, वो भी है, वो भी दृढ़ता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो अब सवाल ये है कि वो संग के रंग से छुटकारा कैसे मिले? निरंतर या क्योंकि संग दोष से छुटकारा मिलेगा तो अन्य दोष से भी छुटकारा मिल जाएगा क्या? संग दोष से छुटकारा ज्यादा ज्यादा मारू कौन सा है? दो ही है ना, दो तो है लेकिन उनमें भी पहला नंबर कौन? संग दोष सबसे ज्यादा मार करता है। अनदोष जो है वो भी अगर बाबा की याद में खाया जाए ना तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मिलिट्री वालों को बाबा ने क्यों डायरेक्शन दे दिया कि तुमको कैंटीन में रहना पड़ता है, तुमको जैसा अन्न मिलेगा वहां वैसा ही खाना पड़ेगा, तो तुम बाबा की याद में रह के खाओ क्योंकि मजबूत आत्मा है, ज्यादा दुख सहन कर सकती है कैसी भी स्थिति परिस्थिति में। तो उनको तो ये डायरेक्शन दे दिया, माने अन्न दोष भी उतना वो नहीं है लेकिन संग दोष वो बहुत नीचे ले जाता है। अब ये सवाल ये कि संग दोष से हम कैसे बचे, करें क्या? निरंतर बाप निरंतर बाप को याद करें, निरंतर होती नहीं संग रंग लग जाता है, निरंतर होती नहीं है। सब जगह से बुद्धि योग तोड़ एक बार जोड़ने की कोशिश, एक बाप दूसरा कोशिश तो करते चले आ रहे हैं। कितने साल हो गए? तन मन ध्यान एक बाप। आप अभी कितने साल हो गए? तो भी नहीं 36 और 4 नहीं नहीं 36 से लेकर के और कितने 68 साल, 66 68 साल हो गए। तो 68 साल हो गए और 32 साल बचे तो 68 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब 32 साल में कर लेंगे। उसमें से थोड़ा तो कृष्ण का जन्म का निकालना पड़ेगा, तो फिर बचेगा क्या है? बचेगा क्या फिर वो? हाँ उसमें कृष्ण के जन्म का निकालना पड़ेगा। कृष्ण का जन्म होता है बैकुंठ में, है कहाँ होता है? नरक की दुनिया में तो कृष्ण का जन्म हो ना सके, तो वो भी समय निकालना पड़े। अब करें क्या है? करना ब्राह्मणों को ही पड़ेगा, है? संग के रंग से बचने के लिए कुछ बुद्धि नहीं चलती। देखो अभी अभी तो बताया, थोड़ा इशारा दिया। कुछ आत्माएं जो है वो तन से साथ में रहती है, कुछ आत्माएं तन से साथ नहीं रहती है, बुद्धि सिर्फ बुद्धि से साथ रहती है। ऐसी ऐसी बांधेली माताएं हैं जिन्होंने देखा भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान से तीसरे नेत्र से उन्होंने बाबा को पहचान लिया है और वो बुद्धि योग से लगातार साथ रहती है। और तीसरे वो है जो मन बुद्धि से भी साथ रहते हैं और तन से भी साथ रहते हैं। ज्यादा नंबर किसको मिलेगा? जो तन मन से भी साथ रहते हैं, दोनों से भी, तन से भी और मन से भी साथ रहते हैं, तो वो तो पावर उनमें ज्यादा भर जाएगी ना। तो हम नहीं कर सकते ऐसा। कान फुसलाने लगी क्या हुआ? है रह सकते हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े दिन उधर थोड़े दिन इधर, है नंबर और पुरुषार्थ होते हैं, नंबर और पुरुषार्थ में नजदीक रहेंगे तन मन धन। बाबा तो शुरुआत से बोलते चले आए वो सुन कम सुन कम से कम इतना तो करो, फिर वो भी नहीं कर पाते। और माया ने तो अभी ऐसी स्थिति बना दी है, माया बेटी कहती है मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं तेरे को भी नहीं मिलने दूंगी फिर
तो प्रयास ऐसा होना चाहिए जो बाबा ने बोला कि तुम शांति धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लेंगे। मैंने ऐसा भी संगठित रूप में कोई स्थान बनेगा जहां आत्माएं जो है साकार रूप में एकाग्र होकर के एकत्रित होकर के शांति धाम की स्टेज बना लेंगे, जहां एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा वाइब्रेशन बनेगा, सबकी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनेगी। ऐसा कोई इशारा मुरली में बोला है या नहीं बोला? बोला क्या? परम धाम को नीचे नीचे उतार। कहाँ उतार लेंगे? कहाँ चले? अमरनाथ में चले कि शिवालिक पहाड़ियों में चले? कहाँ चले? मन बुद्धि चले, तन से नहीं। तन से तो चले ही है, तन से संगठित होने की बात नहीं है, तन से भी सिर्फ मन से नहीं, तन भी होगा। जहाँ तन की भी सारी पावर लगे, मन की भी सारी पावर, इसलिए मुरली में बोला हुआ है एक दिन सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो बाबा ने तो इशारा दे दिया ना, क्या दे इशारा दे दिया है कि जो बच्चों का धन है वो कहाँ लग जाएगा? माउंट आबू में सारी जो जमीन है वो सारी खरीद करके और वहां बच्चों के रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं क्या? जो कोई उन्होंने टटपूंजी अपनी कमाई की वो सारी वहां जमीन खरीदने में लगा दी और वहां स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी माया क्या? मधुबन में माया नहीं आती? आती है। तो वहां भी माया बैठी हुई है, माया रावण का राज्य, तो वहां भी है। तो वो खरीद करने से भी कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने थोड़ा इशारा दे दिया है। क्या इशारा दे दिया? इससे थोड़ी आहत मिलती है क्या है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ताला भी नहीं लगाने देंगे क्या? ताला भी इतना अर्जेंट करना पड़ेगा, पड़ेगा माने मजबूरी हो गई ना है? मजबूरी किसके लिए हो गई? जिन्होंने अटैचमेंट लगा के रखा है उनके लिए मजबूरी हो जाएगी, और जिन्होंने पहले से ही मन बुद्धि से त्यागा हुआ है, तन से भी डिटैच हुए पड़े हैं, धन से भी डिटैच हुए, पहले से ही उन्होंने समेट लिया है अपना, तो उनके लिए कोई ज्यादा ज्यादा मजबूरी नहीं होगी। होगी तो नंबर वार, लेकिन उतनी नहीं होगी। तो अभी बाबा का तो इशारा पूरा मिल गया। क्या क्या इशारा मिल गया? चाहे गीता पाठशालाओं में रहने वाले बच्चे हैं उनको भी पक्का कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाली पढ़ाई है वो सिर्फ युगलों के द्वारा पढ़ाई जाएगी। क्या कुमार या अधर कुमार वो पढ़ाई को पढ़ाने के निमित्त नहीं बनेंगे, युगलों की बहुत महिमा होगी जो साथ में रह करके पवित्रता का पालन करके संसार वालों को दिखा सके कि देखो हम पवित्र हैं, वो चेहरे पे चमक दिखाई पड़ती हो, उनके चलन से वो बात दिखाई पड़ती हो, उनकी दृष्टि वृत्ति से वो बात दिखाई पड़ती हो, तो दुनिया मानेगी। तो ऐसी गीता पाठशालाओं वाले जो हैं, वो बुद्धि में उनकी बैठ जाना चाहिए कि माहौल दुनिया का ऐसा बनने वाला है कि हमको चारों तरफ से लताड़ मिलेगी। क्या 16,000 की सिर्फ राजधानी स्थापन होगी, 16,000 उसको मानेंगे कि हमारा सर्व संबंधी है, बाकी सारी दुनिया मानेगी क्या है? 16,000 जो गोप गोपियां हैं जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है वो ही जानेंगे कि सारी दुनिया जानेगी? जो प्रजावर्ग में आने वाली 9,00,000 आत्मा है वो तो इस गहराई को नहीं समझेंगे, उतना बाद में समझेंगी, जब राजा स्थापन हो जाएगी, संगठन तैयार हो जाएगा, यूनिटी बन जाएगी, तब बाद में समझेंगे।
बाद में समझने से क्या होगा, जो कार्य जब करना चाहिए तब करना चाहिए, फसल जब काटने का समय है तब काटी तो ठीक है, नहीं काटी तो वो बिखर जाएगी। पश्चाताप कि हमने तो जो करना था सो नहीं लिया, राजाई लेनी थी सो नहीं ली, परमात्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ी, जो वर्षा लेना था उस वर्षे से, राजाई के वर्षे से हम वंचित हो गए। तो जो 16,000 का संगठन तैयार होना है, उस संगठन में गीता पाठशाला वाले भी होंगे, सरेंडर हैंड्स भी होंगे, भले बाबा ने बोल दिया अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे अंदर वाले रह जाएंगे, और ये मतलब नहीं कि जितने भी गीता पाठशाला वाले हैं सारे ले जाएंगे, क्योंकि गीता पाठशाला वाले भी नंबर वार है, गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, बाबा को एक पैसे का हिसाब नहीं देते, तो तन का मन का धन का पूरा हिसाब ही नहीं देते, तो बच्चे किस बात के, बाप के पास बच्चे का एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, तो बच्चा है नहीं तो बच्चा सच्चा कहां है, तो वो नंबर वार हो जाएंगे। अब जो सच्चे बच्चे होंगे वो उस स्टेज में पहुंचेंगे। तो इससे साबित हुआ कि गीता पाठशाला वाले जो अपना गीता पाठशाला में ममत्व लगा के बैठे मेरी गीता पाठशाला, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति भी आनी है समाज की कि टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, समाज के लोग, सरकार के लोग सारे ही तोहमत डालेंगे, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा बाबा है, वो तो नहीं जानते ये गुप्त क्या है, गोप गोपियां क्या है, गोप गोपियों की बात तो, गुप्त संबंध जोड़ने की बात तो बाप जाने और या उसके बच्चे जाने, 9,00,000 सितारे भी वो पहले नहीं जाने, लास्ट में जानेंगे, जब राजा स्थापन हो जाएगी तो उनकी प्रजा बन जाएगी और वो जान लेंगे, लेकिन पहले तो नहीं जानेंगे, तो वो भी दुनिया के प्रभाव में आकर के पहले तो अपोजिशन करेंगे ना, तो इतनी जबरदस्त अपोजिशन के बीच में हम टिक नहीं सकेंगे, क्या गीता पाठशाला वाले भी टिकेंगे नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण देखना हो तो कलकत्ते में जो ये वो कौन सी जूतों की कंपनी थी, खादिम शू कंपनी का जो केस हुआ था, अच्छा। जिसमें रविंद्र भाई को जेल हो गई थी, वो जब बड़ी तेजी से प्रकाश में आया तो उसमें रविंद्र भाई को सबने, जितने भी ब्राह्मण परिवार के भी थे उन्होंने भी सबने छोड़ दिया, अच्छा। साल लेक सेंटर में कोई आता ही नहीं था और महीने में ये क्रम चलता रहा, सब छोड़ के बैठ गए, क्यों, क्योंकि टीवी में भी रविंद्र भाई का वो चेहरा वो स्वरूप दिखा दिया गया जैसे वो चारों तरफ मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला हुआ है, ये है वो है, और इस तरह की बातें सारी टीवी में दिखाई गई, रेडियो में दिखाई गई, अखबारों में आ गई। तो जब ऐसी ऐसी स्थिति हो गई चारों तरफ से, तो जो लोक लाज है ना, हर आदमी लोक लाज का मुकाबला नहीं कर पाता, उन्होंने बिल्कुल कनेक्शन ही तोड़ दिया, थोड़े परसेंटेज में लोग ऐसे बचे रहे जो कनेक्शन जोड़ के रखे कम से कम फोन से, और बाकी साहब हाजिर रजिस्टर उस समय का लेके देखा जाएगा तो पता चलेगा परसेंटेज का। ऐसे ही सन 1998 में जो कंपिल में कांड हुआ, बाबा के ऊपर जो बलात्कार के केस लगाए गए जो अभी भी चल रहे हैं, और उसमें बाबा की जेल हो गई, उसमें रविंद्र भाई भी थे, शांता बहन भी थी जो सबसे पुरानी बड़ी बहन है, तो और 7-8 भाई और भी जेल में डाले गए थे साथ में, वो तो जल्दी बाद में छूट गए। तो कहने का मतलब है कि उस समय अखबार वालों ने, एक अखबार नहीं जितने भी अखबार थे वो सारे ही विरोध में बोल रहे थे और भयंकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो विरोध की बातों को पता नहीं है, लेकिन उनको जो सिखा रहे थे, जो पैसे भर भर के उनको सिखा रहे थे, तुम ऐसा अखबार में डालो ऐसा डालो, वो सारा ही छापते चले जा रहे, पैसे लेते जा रहे और छापते जा रहे, अखबारों ने छापा, रेडियो वाले ने बोला, और जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं ऑल इंडिया की, मनोहर कहानियां वगैरह, संडे वगैरह जो भी साप्ताहिक है या मासिक पत्रिकाएं हैं, उन सारी मासिक पत्रिकाओं में एक दो महीने में सब चारों तरफ फैल गया और उन लोगों ने भी छाप दिया।
तो जब चारों तरफ से इतना लिटरेचर एक साथ एक जैसा निकलेगा तो लोगों की बुद्धि भरमा जाएगी नहीं। अरे एक अखबार झूठा होगा, दो अखबार झूठे होंगे, तीन झूठे होंगे, सारे अखबार झूठे हो गए। एक पत्रिका झूठी होगी, दूसरी पत्रिका झूठी होगी, तीसरी पत्रिका, सारी पत्रिकाएं झूठी हो गई। अब बाबा कहते हैं पति दुनिया में सब पति, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्ट बुद्धि, एक भी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, सारे भ्रष्टाचारी हो गए, सारे ही पैसा लेकर के काम करने वाले हो गए। झूठा कराने वाले आज कहीं के न रहे, झूठा कराने वाले कहीं के न रहे, माउंट आबू बैठे नहीं है, कहीं क्यों नहीं रहे, वो तो जाके तहां बैठे हुए हैं। उन्होंने तो उनका तो काम हो गया, उनका ये काम हो गया कि उन्होंने जो अखबारों में जो कुछ छापा गया वो सारी कटिंग लेकर के वहाँ उन्होंने अपनी प्रेस में उसकी कापियां निकाल ली और हर सेंटर में पहुंचा दी। देखो 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 दिखाओ, जहाँ कहीं शंकर पार्टी वाला कोई आए उसको दिखा दो कि देखो देखो तुम्हारे बाबा का ये हाल है ना, ऐसे काम करता है ना, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस अखबार में, ये देखो इस पत्रिका में, ये देखो इस पत्रिका में। तो उसकी जो सुनने वाले की बुद्धि चकरा जाएगी, अरे जरूर सच्चाई होगी। तो सुनी सुनाई बातों से बाबा बोलते हैं भारतवासियों की दुर्गति पाई है, भारतवासी की दुर्गति हुई है, भारतवासी की दुर्गति होगी। निश्चय बुद्धि वाले तो ठीक रहे ना, अभी निश्चय बुद्धि वाले भी तो है ना। अरे बहुत कम हो गए, पार्टियां आना भी बंद हो गई। थोड़े समय के बाद चलो बाबा जब तक जेल में रहे तब तक रहे, तब तक आना जाना चलता रहा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ऐसी भट्टियां चालू की, ऐसा वाइब्रेशन फेंका कि वो पार्टियां भी आना धीरे धीरे बंद हुई। फिर बाद में धीरे धीरे वातावरण सुधरा, क्योंकि बाद में भी तो उन्होंने केस चालू रखे। वो जो चार केस हैं करने के बाद उन्होंने वो एक सविता बहन का केस शुरू हो गया। अच्छा। वो सविता बहन का भाई जो है वो माँ बाप की परमिशन लिए बगैर ही ला करके बहन को सरेंडर कर दिया। बाद में बाप ने आकर के केस कर दिया, बहनों ने भड़काया और केस चालू कर दिया कि ये हमारी लड़की को, नाबालिग लड़की को लेकर के, और ये इसने बैठा हुआ है और बलात्कार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, और कोर्ट में केस दाखिल हो गया। यहाँ तक स्थिति आ गई कि उसने एसएसपी ने आदेश दे दिया कि इस लड़की की डॉक्टरी जांच कराई जाए। डॉक्टर ने अपना काम शुरू भी करना चाहा, वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाई और हाथ पांव भटकाने लगी, डॉक्टर डर गया, उसने मना कर दिया, वो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां आ सकती है जिन स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर ब्राह्मण बच्चों की सच्चाई की परीक्षा हो सकती है और उनको ये दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो पति बाप ही रह जाएगा, एक बुढ़ी में बोला है कि एक बाप ही रह जाएगा, सारी भी रहेगी। नहीं नहीं, बाप अकेला क्यों रहे, बाप तो पहले जाएगा, बाप तो पहले, बाप तो चाहता है बच्चों को देगा, सब संबंध बिगड़ जाएंगे, परमात्मा प्यार रहेगा। प्रैक्टिकल में भी दुनिया के सब संबंध टूट जाएंगे, सारी तोहमत डालेंगे, परमात्मा प्यार। ऐसे भी तो देखा गया है कि सारे तोहमत डाली, कोई साथी नहीं रहा, बाहर की दुनिया में कोई साथी नहीं रहा, सगे संबंधियों में भी कोई साथी नहीं रहा, ब्राह्मणों के परिवार में तो सारे विरोधी हो ही गए, सरकार के जो भाती है वो सारे तोहमत डालना शुरू कर दी, समाज के लोगों ने सबने तोहमत डालना शुरू कर दी, तो दुनिया में रहा कौन, कोई नहीं। तो जो परमात्मा बाप की बनते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये मिसाल मीरा का दिया जाता है कि मीरा पूरे पूरे रीत से भगवान की बनी तो सबने उसका तिरस्कार किया, तिरस्कार किया, लोकलाज छोड़ करके वो फिर भी भगवान की बनी। लेकिन वो तो एक भावना की बात थी, भगवान आया हुआ तो नहीं था, यहाँ तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो यहाँ तो और ही जबरदस्त परीक्षा होना जरूरी है। तो ऐसी परीक्षा जब होगी तो मजबूरी में छोड़ छाड़ करके जिनको जाना पड़े तो वो बात जो है नंबर कम कर देगी। क्या पहले से ही जो तैयार होंगे वो फटाक से अपना समेटा हुआ है सारा राग वाला, सारा दुनिया का धंधा दोरी, तो धक से छोड़ करके पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा नंबर किसके बनेंगे, धक से छोड़ेंगे पहुंचेंगे, उनका नंबर पहले हो जाएगा और उनका नंबर बाद में आकर माला के मणके बनेंगे। कैसे बनेंगे, कोई तरीका होगा कि नहीं,
एक एक में फिर हो जाएंगे, धक से आएंगे तो एक एक में फिर हो जाएंगे। हाँ, कोई तरीका होगा, दुनिया नहीं तो कहेगी कि इनको ऊंचा नंबर माला करके दे दिया। हाँ, हमारा मड़का ऊंचा ऊपर होना चाहिए, हमारा मड़का नीचे क्यों कर दिया? प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं इस पति दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं। ईश्वरीय दुनिया है शांति धाम, वहां शांति धाम में सब पवित्र होंगे। निराकारी दुनिया है, सब निराकारी स्टेज वाले होंगे, कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, तो बुद्धि कहां जाएगी? एक बाप का ही घर रह गया, तो कुछ कोई सहारा ही नहीं रह गया, तो बुद्धि कहीं जाने का सवाल ही नहीं। निराकारी दुनिया, ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है ना, है ईश्वर बाप को, जो ईश्वर बाप है वो निराकार कहा जाता है ना, है कि कहा जाता है? है, वो तो 5000 साल रहता है निराकार, लेकिन कहा जाता है, कहे जाने का कोई टाइम होता है हमको ना, है कि हमेशा कहा जाता है निराकार? नहीं, पुरुषोत्तम संगम भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाता है निराकार, लेकिन साकार नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम संगम युग में कहने वाले साकार नहीं कहते भगवान को, साकार होता है लेकिन निराकार स्थिति नहीं होती है। हाँ, माने निराकारी स्टेज वाला वो निराकार कहा जाता है, जब प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज बनती है तो निराकार कहा जाता है। ये भक्त नहीं समझते हैं क्या कि ईश्वर बाप को निराकार कहा जाता है, कहे जाने का भी कोई स्पेशल टाइम मुकर्रर होता है। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते, कोई कृष्ण के भक्त है तो समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है, दादा लेखराज को भी भगवान समझ लेते हैं, और कोई राम की भगत है तो राम को ही भगवान समझ लेते हैं, ये नहीं समझते कि राम के अंदर भी कृष्ण की सोल और शिव की सोल काम करती है, मतलब पार्शियलिटी वाली बुद्धि हो जाती है। 63 जनों का हिसाब किताब है ना, कोई आत्मा राम के साथ ज्यादा रही है, कोई आत्मा कृष्ण के साथ ज्यादा रही है, तो जो जिसके साथ ज्यादा रही है वो शूटिंग पीरियड में भी उनका वो स्वभाव संस्कार प्रत्यक्ष हो जाता है, वो अपने को ज्ञान युक्त तो होकर के चल नहीं सकते। तो कृष्ण के भक्त समझते हैं कृष्ण ही सर्व का पिता है, जो जिसका भक्त है उसकी ही सराहना, उसकी मानना और उसका ही चिरौरी करते रहते हैं, फालतू महिमा करते हैं ना। अरे न राम में दम है न कृष्ण में दम है, जो न जगदम्बा में दम है, दम तो किसी मनुष्य देहधारी में नहीं है, है दम तो तब है जब वो निराकार से भी सृष्टि पर आकर के उनमें ताकत भरता है। फालतू महिमा करते हैं, अभी तक तुम बच्चों में भी नंबर वार है क्या, जो यथार्थ रीति समझते हैं, इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में रोना भी शुरू कर देते हैं। कोई मम्मा की मुरली, कोई बाबा की मुरली, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं, फिर बोलते हैं भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान रोता है क्या है? भगवान थोड़े रोता है, तो जिस तन में प्रवेश करता है उसकी आत्मा रोती होगी। तो बोला अभी तक तुम बच्चों भी नंबरवार हैं, जो यथार्थी समझते हैं हमारा बेहद का बाप है, हम उन्हीं की ही सीमत पर हमको चलना है, और कोई कीमत पर अब हमको चलना नहीं है। कोई कोई को अपना नशा चढ़ जाता है तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं क्या, कोई थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा कर दी, उसी ईश्वरीय सेवा में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई, तो बस समझते हैं हमने ही किया क्या, चलाने वाला बाप नहीं, चलाने वाला बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार अपना आ जाता है कि हमने ये सेवा की, वास्तव में हमारा ज्ञान ही नहीं है तो हम सेवा कहां से करेंगे, जो उसने ज्ञान दिया वही तो हम सुनाते हैं। बाप कहते हैं
कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने किया। बच्चों में बाप प्रवेश करके सेवा करते हैं। क्या इस समय बाप दादा की सोल बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा करा जाती है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाप दादा आया और ईश्वरीय सेवा करके चला गया। वो समझते हैं हमने की। अच्छा कोई फिर ऐसे होते हैं जो समझते हैं हमारे में ही शिव बाबा आता है और उल्टा अहंकार लेकर के धारण करके बैठ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुकर्ररथ में ही भगवान आता है, हमारे अंदर भी भगवान आता है, वो भगवान ही है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान के रूप में सारे। तो अपनी मत लगाने लग पड़ते हैं, जो कुछ देंगे जो कुछ बताएंगे कि नहीं वो गलत है हम सही है। तो कोई विष्णु भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई दत्तात्रेय भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण भगवान बन के बैठ जाते हैं। प्रैक्टिकल में बने हुए हैं क्या, कोई कृष्ण बन के बैठ जाते हैं। तो कोई कोई को अपना नशा चढ़ जाता है तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, बहुत डिसर्विस करने लग पड़ते हैं, उनको अपना अभिमान आ जाता है। माया बहुत कड़ी है, माना माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अपने को परिपूर्ण जो समझते हैं उनको ही माया का थप्पड़ ज्यादा लगता है। क्या कि हमारी आत्मा पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके, तीव्र सेवा करके हमारी आत्मा संपन्न हो गई। जो अहंकार जिनको चढ़ता है, है श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा की मत कदम कदम पर लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, तो बाबा कहते हो ए माया बेटी तुम क्या करो, ऐसे देह अभिमानियों को तुम थप्पड़ लगाओ। तो माया थप्पड़ लगाती रहती, बाप अच्छी तरह समझाते हैं। इस नॉलेज का किसी को पता नहीं है। क्या दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय इस नॉलेज का किसी को पता नहीं है, ये ईश्वर ही नॉलेज दे सकता है। इस नॉलेज को देने वाला और कोई है नहीं, ये ज्ञान ये जानकारी सिवाय ईश्वर के कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। ये अक्षर बड़े समझने के हैं। क्या ईश्वरीय नॉलेज ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अगर ईश्वर के सिवाय कोई मनुष्य गुरु भी ईश्वरीय नॉलेज दे सके, गीता ज्ञान सुना सके, तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार है। पर तो ज्ञान दे दिया और गुरु लोग जो है वो ज्ञान फरोख्त करते रहे और शक्ति गति सदगति होती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या कुछ न कुछ आत्मा जो है वो अपनी बात जरूर मिक्स कर देगी। जब अपनी बात मिक्स हो जाएगी तो वो राम का ज्ञान रह करके क्या हो जाएगा, रावण का ज्ञान हो जाएगा। चलो कोई कितना भी पवित्र बुद्धि बन गया हो पुरुषार्थ करके, पूरा दूध का शुद्ध दूध का घड़ा भरा हुआ रखा है या अमृत कलश रखा हुआ है और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दो तो क्या हो जाएगा, सारा ही तो विष हो गया, वो हो जाएगा, विष का ही काम करेगा। तो ये हिसाब है श्रीमत मनुष्य मत और पर्वत का। तो बाबा इसके लिए परिहार करते हैं इस बात से बचने के लिए कि दूसरे की मत पर हम न चढ़ पड़े, कि कदम कदम पर ईश्वरीय श्रीमत लेते रहो। कोई कहते हैं क्या छोटी छोटी बातों के लिए बाबा से पूछना, अरे बुद्धि अगर दृढ़ता से बुद्धि ने फैसला कर लिया है कि हम श्रीमत के अनुकूल ही हम चल रहे हैं तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी संशय आता है तो बाबा से पूछ लेने में क्या अर्ज है कि ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है हम करें या न करें, ये राइट है या रंग है, तो बाबा बताएंगे। तो अपने को जो परिपूर्ण समझते हैं उनको माया थप्पड़ लगाती रहती है, ये ज्ञान वास्तव में ईश्वर ही दे सकते हैं, सो भी एक ही बार आकर के देते हैं, सिवाय संगम युग के और कोई दूसरा युग नहीं है जिसमें भगवान बाप आकर के ईश्वरीय मत देते हो। स्पिरिचुअल फादर एक ही बार आते हैं, स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मिक फादर, माने शिव ज्योति बिंदु
जो आत्माओं का बाप है वो सिर्फ इस सृष्टि पर एक ही बार आता है, बार बार हर युग में नहीं आते हैं, और आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। जिस्मानी ज्ञान तो हम जन्म जन्मांतर गुरुओं से सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन ये रूहानी ज्ञान सिवाय रूहानी बाप की और कोई देता नहीं है। ये अक्षर बड़े समझने के, बहुतों की बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं है। क्या रूहानी बाप ज्ञान सिर्फ कि रूहानी बाप रूहानी ज्ञान देते हैं, और बाकी जितने भी बाप हैं वो सब जिस्मानी बाप, वो जिस्मानी बाप जो कुछ सुनाएंगे उसमें कुछ न कुछ मिक्सरिटी जरूर हो जाएगी। ये रूहानी ज्ञान है जो सुप्रीम बाबा एक ही बार बच्चों को आय कर देते हैं, जिससे तुम पावन बनते हो। यहाँ सैकड़ों हजारों जो स्पिरिचुअल लीडर अपने को कहते हैं वो बाप को लीडर नहीं कहेंगे। क्या बाहर की दुनिया में भी ढेरों स्पिरिचुअल लीडर हैं, पढ़ाइयां पढ़ाते रहते हैं, धर्म की पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, वो भी अपने को स्पिरिचुअल लीडर समझते हैं। बाप कहते हैं कि अपने को कहते हैं स्पिरिचुअल लीडर, वो बाप को लीडर नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? कि हम स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो स्पिरिचुअल फादर है और हम स्पिरिचुअल लीडर हैं। लीडर कहना, अपने को लीडर कहना, लीडर माने लीड करने वाला, दूसरों को चलाने वाला, लीडर कहना ये भक्ति मार्ग की बात है। क्या हम इनके नेता हैं, हम इनको ले जाने वाले हैं, हम इनके पंडा हैं, तो ये अभिमान आना कि हम इनको तीर्थ यात्रा कराने वाले हैं। तीर्थ माना, तीर माना किनारा, था माना स्थान, एक किनारे लगाने वाले, एक ठिकाने लगाने वाले हम हैं। मनुष्य गुरु जो है वो ठिकाने लगाने वाले नहीं है, और ही दरबदर करने वाले। जो दरबदर करते हैं वो है भक्ति मार्ग के गुरु। जो एक ठिकाने पर लगाता है, कौन सा ठिकाना है, कौन सा ठिकाना बाप बताते हैं? अरे अभी तो इतनी बात बताई है। हाँ, शांति धाम चलना है, अपने घर को याद करो। कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है और वापस सुखधाम आना है। पहले शांति धाम और वापस सुखधाम आना है। तो लीडर कहना ये भक्ति मार्ग है, जानते कुछ भी नहीं है, जैसे बंदर बुद्धि है, जानते ही नहीं रूहानी बाप स्पिरिचुअल फादर के पास क्या है। स्पिरिचुअल फादर है तो स्पिरिचुअल फादर के पास भी तो कुछ है, वर्षा होगा ना। क्या वर्षा है? स्पिरिट आत्मा को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। तो ये सुख शांति का वर्षा स्पिरिचुअल फादर के पास है, वो तो बंदर बुद्धि कुछ नहीं जानते। स्पिरिचुअल लीडर कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। कहते हैं, झूठ कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर सभी का एक है। इस सारी दुनिया में जो अपने को स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, वो रंग बात है। वास्तव में सारी दुनिया का स्पिरिचुअल लीडर एक है, जो सबको शांति धाम ले जाएंगे। कोई को शरीर से मार के ले जाएंगे, कोई को शरीर सहित ले जाएंगे। तो जो शरीर सहित जाएंगे वो असली प्राप्ति करने वाले हैं, और शरीर छोड़ करके जाएंगे तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शरीर सहित कितने जाएंगे? साढ़े चार लाख। लेकिन उसमें भी दो वर्ग है, एक राज परिवार की आत्मा है और दूसरी प्रजावर्ग की आत्मा है। जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, प्रजा तो पीछे पीछे चलती है और राजा रानी आगे आगे रहते हैं, ऊंची स्टेज पे रहते हैं। तो स्पिरिचुअल फादर सभी का एक है, वो जब आए तब तो आकर के नॉलेज दे। क्या कहते हैं? ज्ञान के बिना गति नहीं,
रति ज्ञान अन्न मुक्ति, गति सदगति ज्ञान से मिलती है। लेकिन ज्ञान मिले कैसे? ऐसे थोड़े कि ब्रह्मा के तन में आए और चला जाए और ज्ञान मिलता रहे, मनुष्य गुरु ज्ञान देते रहे हाँ, और फिर सबकी सदगति होती रहे, स्पिरिट जो है उसमें पावर भर जाए, ऐसे नहीं होता। फादर खुद ही आकर के ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंचाते हैं। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा बनती है कि आत्मा शांति धाम और सुख धाम हाँ को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सन्नद्ध हो जाती है। बनाने से प्रैक्टिकल बनेगी, अपने आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं बनने वाला है। हमने नरक बनाया है इस दुनिया को, तो स्वर्ग कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे। वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो न सुख भोगता है न दुख भोगता है, तो वो बनाएगा क्यों? वो हमसे बनवाता है। वो करणहार है तन के द्वारा, लेकिन करावनहार है ब्रह्मा के द्वारा, करता है। और बाकी शंकर और विष्णु के द्वारा कराता है। ओम शांति।